स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। क्लास टेंथ में जो फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी टेंथ क्लास न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहला ये कि आपको मालूम है कि किसी भी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उस चैप्टर में जितने फार्मूले यूज़ किए गए हैं वो भी आपको लर्न हो। यदि दोनों चीज़ आपको तैयार है तो आप इसको न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज आप पहले उस चैप्टर को रिवाइज करिए। मेरे चैनल पर उसका वीडियो है, आप उसको देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए और पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के बाद आप न्यूमेरिकल्स करिए। और यदि आपको चैप्टर तैयार है, फार्मूले आपको तैयार हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, वन बाय वन अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे बोर्ड पर डिस्प्ले होगा तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आप अपने सामने बुक रख के उसको बुक से भी रीड कर सकते हैं। मेरे बोर्ड में डिस्प्ले होगा, मैं बुक से रीडिंग भी करूँगा उसका, और उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। देखिए बोर्ड में आप क्वेश्चन रीड करिए। दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश इज। देखिए, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस सपोज क्या है, आर है। और क्वेश्चन में बोला कि इसको हम इक्वल 5 पार्ट्स में 1, 2, 3, 4 एंड 5, सपोज उसको हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट में क्या किया, कट कर दिया, काट दिया उसको। और उसके बाद उसका जो कटिंग पीस मिले अपने को, उसको किसको कंबाइन किया गया, पैरेलल कंबाइन किया गया, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या बोलता है, आर डैश। तो देखिए, ये होमोजीनियस अपने पास एक रजिस्टर है, इसको कट करने के बाद 5 पार्ट में कट करने के बाद ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई 5 होगा, क्लियर। और उसको पैरेलल कंबाइन किया गया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल 5 रजिस्टर है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला इस तरह से होता है, क्लियर। दैट इंप्लाइज इसको उसने आर डैश कहा है क्वेश्चन में, तो हम भी आर डैश कह देते हैं। आर डैश 1/R डैश इक्वल, देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ये R1 है, ये R2 है, R3, R4 एंड R5, ईच रजिस्टर इज R/5। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ये हमने इसके वैल्यूज पुट अप कर दिए। दैट इंप्लाइज इसको आगे हम सॉल्व करें तो 1/R डैश इक्वल 5 क्या है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, दैट मीन्स 5 टाइम्स, क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, R1 R2 का वैल्यू पुट अप करने के बाद अपन उसको सॉल्व करें, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, क्लियर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट इंप्लाइज 1/R डैश इक्वल टू RLCM आएगा, ये RLCM आ गया, और 5 टाइम्स आर, 1, 2, 3, 4, 5, कितना आएगा, 25/R। देयरफॉर मैं डिटेल में इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको इसको प्रैक्टिस भी जाएगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू R/25, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। दैट मीन्स इसको इक्वल 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब उसको पैरेलल कंबाइन करेंगे ये इसका रेजिस्टेंस आएगा। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ R एंड R/R डैश, इसका रेशियो फाइंड करने बोला है,
ये हो गया आर अपॉन आर डैश का वैल्यू क्या है अपने पास आर अपॉन 25 ये आर आर कैंसिल हो जाएगा देयरफॉर आर अपॉन आर डैश इज 25 न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा क्लियर। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी वो राइट आंसर है दैट मीन्स द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश इज 25 क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट रीड करिए आप मेरे बोर्ड से आप रीड कर सकते हैं मैं आपको रीड करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखिए आप पावर का फार्मूला बहुत यूज होता है पावर इक्वल टू होता है वी इंटू आई दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करेंट इज पावर। इसका बेसिक फार्मूला यही होता है। अब अपने को ओम्स लॉ से पता है कि वी इक्वल टू होता है क्या आई इंटू आर। अब इस फार्मूला को हम कन्वर्ट करें दैट इम्प्लाइज पी इक्वल टू यहाँ से हम वी का वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ वी का वैल्यू आई इंटू आर यहाँ पर पुटअप कर दें तो हो जाएगा आई इंटू आर इंटू आई दैट इम्प्लाइज पी इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये फार्मूला ये मिल जाएगा अपने को एक फार्मूला तो बेसिक फार्मूला ये है और इसको और हम आगे चेंज करें तो पावर इक्वल टू वी इंटू यहाँ से हम आई का वैल्यू फाइंड कर लें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं वी अपॉन आर दैट इम्प्लाइज पावर इज आल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर हम पावर का थ्री फार्मूला देख रहे हैं पावर इक्वल टू वी इंटू आई पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें जो फोर चॉइस दिया है उसमें ये बी का चॉइस है आई आर स्क्वायर जो कि नहीं होता बी में उसने दिया हुआ है ऑप्शन बी में आई स्क्वायर आर और ये क्या है रॉन्ग है दैट मीन्स पावर के फार्मूला नहीं होता तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बाकी तो इसके पावर के फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने और भी इसलिए एक्सप्लेन किया कि अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला सब यूज होगा तो ध्यान रखेंगे पावर इक्वल टू वी इंटू आई पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एंड पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करिए आप बोर्ड में देखिए एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड इट 110 वाट देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखिए पावर पर बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आप सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट गिवन है उसका पोटेंशियल कितना 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बल्ब है और पावर है उसका 100 वाट एक कंडीशन ये दिया। अब क्वेश्चन में बोलता है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट सपोज ये V1 है V2 यदि 110 वोल्ट में यदि हम उसको ऑपरेट करें तो द पावर कंज्यूम्ड विल बी उस समय ये P1 है सपोज तो P2 कितना होगा ये हमको फाइंड करना है क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए कि बल्ब वही है ये भी एक वही बल्ब है ये भी वही बल्ब है लेकिन यहाँ दोनों में क्या कह रहा है पोटेंशियल को अपन चेंज कर रहे हैं। जब हम इसको 220 वोल्ट का करंट देते हैं तो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट और यदि हम उसको 110 वोल्ट का यदि पोटेंशियल दें तो कितना पावर कंज्यूम करेगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे आर इक्वल टू होता है क्या वी स्क्वायर अपन आर हम ये वी स्क्वायर अपन पी क्योंकि पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर होता है तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन पी। अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि इस बल्ब का एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना है दैट इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करें आर इक्वल टू ये पोटेंशियल कितना पर 220 पर तो ये 220 का स्क्वायर अपॉन पावर है कितना उसका 100 तो 220 इंटू 220 अपॉन 100 इसको आप सॉल्व कर लेंगे ये 20 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 22 इंटू 22 आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 484 ओम ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। अब हमको फाइंड करना है
कि सेकंड कंडीशन में इसका पावर कितना होगा, दैट मीन्स पी टू। यहाँ पर हमने पी वन यूज किया है, तो इस फार्मूला को हम इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, पी टू इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। ये वी स्क्वायर अपन आर, अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है, दोनों का वैल्यू अपन पुट अप कर देंगे। अब पोटेंशियल कितना बोलता है वो, 110 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 110 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इज 484। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ये डायरेक्ट आंसर आप सॉल्व करेंगे आएगा 25 वाट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना 25 वाट। इस तरह से ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन क्या हुआ, जब 220 वोल्ट करंट था तो इतना वाट पावर कंज्यूम करता था, यदि हम उस बल्ब को 110 वोल्ट का पोटेंशियल दें तो वह 25 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर, तो नाउ राइट आंसर इज 25 वाट। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका सही आंसर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए भी, और इन फ्यूचर यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, IIT, JEE, NEET या किसी भी तरह का NTSC कोई भी एग्जाम आपको प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आप NCERT में जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उसको 100% सॉल्व करिए, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप क्वेश्चन बोर्ड में रीड करिए, मैं एक बार आपको बता भी दूं। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द इक्वल लेंथ एंड द इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और आपको इसमें दो कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। सबसे पहले क्या किया, उसको सीरीज में कंबाइन किया, फिर उसमें पैरेलल में कंबाइन किया। क्लियर, तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं, अपने पास टू रजिस्टर हैं तो इन सीरीज यदि हम उसको सीरीज में कंबाइन करते हैं, हमने उसको RS लिख दिया, तो सीरीज में क्या होता है, दोनों डायरेक्ट एड हो जाएंगे R+R, क्योंकि फार्मूला होता है R1+R2+R3, दैट इक्वल ये हो गया 2R, रिलेशन नंबर फर्स्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। अब यदि उसको हम पैरेलल में करें तो ऐसा फाइंड करेंगे अपन 1/RP = 1/R + 1/R, दैट इंप्लाइज 1/RP = 2/R। नाउ रेसिप्रोकल इसको उलट देंगे तो हो जाएगा RP = R/2। वैसे इसके डायरेक्ट फार्मूले भी आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं आप। इस तरह से RS ये हो गया, RP ये हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस के साथ में पावर का किस तरह का रिलेशन हमने देखा है कि पावर इक्वल टू होता है V²R, पावर इक्वल टू V²R। अब यहाँ पर यदि हम पोटेंशियल को क्या करें, उसका कांस्टेंट ले लें, क्योंकि कांस्टेंट पोटेंशियल पर हम उसमें वर्क कर रहे हैं, तो पोटेंशियल यदि कांस्टेंट हो जाए दैट इंप्लाइज इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पावर प्रोपोर्शनल टू 1/R, दैट मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कंडीशन में देयरफॉर इस तरह के फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इट इज रिटन एज P1/P2 = रेसिप्रोकल है तो हो जाता है R2/R1। ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए RS RP, इसको हम P पैरेलल और सीरीज के लिए हम फाइंड करें, तो यहाँ पर रेशियो किसका पूछा है, वो क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ द ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, दैट मींस PS/PP, पी फॉर पैरेलल इक्वल। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये RP, क्योंकि 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, तो RP/RS दैट इक्वल, RP का वैल्यू हम फाइंड करके रखे हैं, देखिए RP = R/2, ये होगा R/2/RS का वैल्यू अपने पास है, ये RS क्या 2R, ये हो गया 2R, दैट इक्वल RR यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये अपान भी होगा तो 1/4, दैट मीन्स इट्स रेशियो इज 1:4, दिस इज आंसर। क्लियर,
तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए, ये फार्मूला जो मैंने यहाँ से डिराइव किया तो आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपको दिया है C1:4, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये न्यूमेरिकल्स में ये मल्टीपल च्वाइस है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो डायरेक्ट आंसर है, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपको पता है चैप्टर के कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया है कि पोटेंशियोमीटर को, वोल्टमीटर को हमेशा क्या कहा जाता है, पैरेलल कंबाइन किया जाता है, और अमीटर को हमेशा सीरीज में कंबाइन किया जाता है, क्लियर। जब भी इस डिवाइस को यूज करते हैं तो अमीटर इज ऑलवेज यूज इन सीरीज कॉम्बिनेशन बट वोल्टमीटर इज ऑलवेज यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस आंसर क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए आप। देखिए आप यदि बुक ओपन करके स्टडी कर रहे होंगे तो आप अपने बुक से भी रीड कर लीजिए, अदरवाइज आप मेरे बोर्ड के डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। देखिए हम सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। गिवन इट्स कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। अब हम mm को क्या करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, क्लियर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 × 10⁻³ मीटर में चेंज कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 डिवाइड करना पड़ेगा और 100 डिवाइड करेंगे मीटर में, ये होता है। अब इसे हम रेडियस बना लें या डायमीटर ही रहने दें तो भी चलेगा, ये डायमीटर हो गया इसका। आगे क्वेश्चन में बोलता है एंड रेजिस्टिविटी इज 1.6, रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेड बाय रो 1.6 × 10⁻¸ ओम मीटर, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये गिवन है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, ये बोलता है रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और इसका लेंथ हमको क्या करने बोलता है, फाइंड करने बोलता है, लेंथ फाइंड करने बोलता है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, अब बोलता है कि यदि डायमीटर को हम डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज आएगा। तो दो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका लेंथ फाइंड करते हैं। तो हमको फार्मूला पता है, रो इक्वल टू होता है R × A/L, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। दैट इंप्लाइज आगे इसको हम L के लिए सॉल्व कर लें, L को इधर ट्रांसफर कर लें तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R × A/ρ। अब यहाँ पर इसके वैल्यू बस कैलकुलेशन पर बेस्ड है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पर इसके वैल्यूज पुट कर दें। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। नाउ पुट अप द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10 एंड एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपको पता है, एरिया इक्वल होता है πr² या स्मॉल r भी लिख सकते हैं, और डायमीटर है तो डायमीटर क्या होता है d/2, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, πd/2², दैट मीन्स d²/4, ये एरिया हो जाएगा। एक बार में फार्मूला को इस तरह कन्वर्ट कर देता हूँ और रो, अब आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 × π का वैल्यू हो जाएगा 3.14 × डायमीटर, ये दिया हुआ है डायमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹ और अपन 4, इसका स्क्वायर करेंगे अपन, ये स्क्वायर हो जाएगा, एक कैलकुलेशन है बस, इसमें कुछ नहीं है, अपन रो, रो का वैल्यू क्या है, ये 1.6 × 10⁻¹। अब इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्लियर, πr² आर का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एरिया को लिखेंगे πr², क्लियर। तो पाई एरिया, देखिए एरिया इक्वल टू होता है πr², दैट इक्वल टू पाई, और रेडियस, रेडियस इक्वल टू क्या होता है d/2, हाफ ऑफ द डायमीटर, क्लियर, क्लियर।
अब यहां पर देखिए इसका वैल्यू इस तरह से लिखा हो, आप समझ गए, तो ये d बाई टू का स्क्वायर, इसको मैंने लिखा है पाई d स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा वैल्यू पुट अप करते हैं, पाई d का वैल्यू डायमीटर, सॉरी डायमीटर ये दिया है 0.5, सॉरी ये वैल्यू मैं रेजिस्टेंस का पुट अप कर दिया हूँ ना, डायमीटर तो ये है 0.5 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर और अपान ये 4, चाहे तो आप 4 को नीचे भी लिख सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा 122.7 मीटर। ओके, क्या पूछा है अपने को, लेंथ पूछा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि यदि क्या करें इसको डायमीटर को डबल कर दें, तो आपको एक मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ कि रेडियस का डायमीटर के साथ में, रेजिस्टेंस का डायमीटर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है ये, क्लियर, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर के स्क्वायर के और रेडियस के भी स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू पुट अप कर दें तो दैट इंप्लाइज आर प्रोपोर्शनल टू डायमीटर डबल हो जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2d का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज आर प्रोपोर्शनल टू 1/4d स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। इस तरह से इसका फर्स्ट आंसर होगा 122.7 मीटर एंड रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब उसके डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में इसके साथ में होता है, क्लियर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको बनाना है। देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, ये बोर्ड में देखिए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तो आप ग्राफ है ड्रा कर लेंगे, ग्राफ में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज ए करेंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। देखिए क्या गिवन है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन देखना चाहिए कि क्या क्या आपको गिवन है। बैटरी का वोल्ट पोटेंशियल है 12 वोल्ट, देयर इज करेंट 2.5 मिली एम्पियर, आप बोर्ड में देख सकते हैं क्वेश्चन, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसको ओम्स लॉ पर आपको पुट करना है, क्लियर। आप डायरेक्ट इसको ओम्स लॉ पर पुट करेंगे ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए R इक्वल टू वी अपन आई होता है, R इक्वल टू वी अपन आई, दैट इंप्लाइज R इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है ये 12 वोल्ट दिया हुआ है और करंट को हम क्या करेंगे एम्पियर में चेंज कर देंगे, तो 2.5 × 10⁻³। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 4.8 किलो ओम, मतलब ये एक्चुअल में इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो 4800 ओम मिलेगा, और 1000 ओम इक्वल टू 1 किलो ओम होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम, ये इसका आंसर। तो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, सीधा आप ओम्स लॉ पर वैल्यू पुट अप करेंगे आपको फाइंड हो जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दिस रजिस्टर, हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। देखिए अपने को क्वेश्चन में दिया है बैटरी का पोटेंशियल V इक्वल टू
9 वोल्ट। और जो रजिस्टर हैं सीरीज में कंबाइन किया गया है, R1 इक्वल टू 0.2 ओम, R2 इक्वल टू 0.3 ओम, R3 इक्वल टू 0.5 ओम, R4 इक्वल 0.5 ओम, 2, 3, 4, 5 एंड R5 इक्वल टू 12 ओम। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में कंबाइन किया गया। हाउ मच करेंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, वो बोलता है कि ये जो 12 ओम का रजिस्टर है इसमें करंट कितना फ्लो होगा, क्लियर, और पोटेंशियल आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट मींस रिजल्टेंट आर, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, फाइव रजिस्टर्स हैं अपने पास, दैट इक्वल 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा इसको सॉल्व करने से, सभी रजिस्टर्स को आप सॉल्व कर लेंगे, ऐड करिए इसको, ये हो जाएगा 13.4 अब उसमें निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ करंट, V इक्वल टू आई आर, सिंस V इक्वल टू आई इंटू आर, देयर फोर आई इक्वल टू वी अपान आर। यहाँ हम करंट सॉल्व कर लेंगे, तो I इक्वल टू पोटेंशियल कितना दिया है क्वेश्चन में, 9 वोल्ट, ये हो जाएगा 9 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया कितना 13.4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा 9 अपॉन 13.4 0.67 एम्पियर, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ करंट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, क्योंकि ये सभी रजिस्टर सीरीज में कंबाइन है और अपने को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, दैट मींस ये जो करंट 0.67 एम्पियर मिला है वो सभी रजिस्टेंस में उतना ही करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा हमको घुमा दिया, क्वेश्चन में बोलता है कि 12 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, तो वो कितना होगा 0.67। यदि वो क्वेश्चन में बोलता कि 0.2 ओम में कितना होगा, तो सबका आंसर वही होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक रेजिस्टेंस में जितना। देखो ये सब कॉन्सेप्ट यदि आप, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बोला यदि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब मैं अपने फाउंडेशन क्लास वाला जो वीडियो है उसमें बताया हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन, हाउ मेनी रजिस्टर्स। देखिए एक रेजिस्टेंस हमको दिया है वो है 176 ओम, इतने रेजिस्टेंस क्या किया है, कंबाइन किए गए हैं टोटल कॉम्बिनेशन में 176 ओम का हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और आगे क्वेश्चन में बोलता है 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर और पोटेंशियल है 220 वोल्ट, तो बोलता है कि हाउ मेनी करंट, ठीक है, पोटेंशियल देने पर 5 एम्पियर का करंट उसमें सप्लाई हो, तो मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है और कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। तो आप देखिए सबसे पहले हम यहां पर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई आर से
तो I इक्वल टू वी अपॉन आई, दैट इंप्लाइज R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल 220 वोल्ट है और करंट है 5, क्लियर। दैट इंप्लाइज इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44 ओम। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर ध्यान समझिए, मतलब टोटल हमारे 176 के रजिस्टर्स हैं अपने पास, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि 44 ओम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब हमारे पास 176 के बहुत से रेजिस्टेंस हैं और उसको हमने जब पैरेलल कंबाइन किया तो हमको रेजिस्टेंस मिल गया 44 ओम का। दैट मींस नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एन इक्वल टू हो जाएगा 176 अपॉन 44। ये कैसे हो जाएगा देखिए, क्योंकि 176 क्या है, इतने हमारे पास इतने एक एक ओम, इतने इतने ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस है अपने पास, रजिस्टर है। मतलब उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यदि आप उसको इजी समझना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज एन और ऐसा कितने हैं अपने पास 176 और ये टोटल कितना हो जा रहा है 44 इक्वल टू 176, क्लियर। दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा एन इक्वल टू 176 अपॉन 44। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए उसको, ये हो जाएगा 110, क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये आंसर देखिए कितना है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फोर आंसर आएगा ना, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 4 है, 4 divided by 4 करेंगे डिवाइस। ये हो गया नंबर ऑफ रजिस्टर, एक बार और समझिए ध्यान से आप उसको, क्वेश्चन में क्या बोला है, 176 ओम के रजिस्टेंस को कंबाइन करके एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो हमको बोलता है कि कितने ऐसे रजिस्टर का हमको जरूरत पड़ेगा कि उस सर्किट से 5 एम्पियर का करंट सप्लाई हो और 220 वोल्ट का पोटेंशियल हो। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब आफ्टर कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस दैट इज 44, देन नंबर ऑफ रजिस्टर इज 176 अपॉन 44, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑपरेशन 6 सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रजिस्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। वो बोलता है कि 6 ओम रजिस्टेंस का अपने पास रजिस्टर है, उसको हम कैसे कंबाइन करें कि 9 ओम मिले और 4 ओम मिले। 6 ओम का अपने पास रजिस्टेंस है, बोलता है कैसे कंबाइन करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम का मिले और सेकंड बोलता है क्या 4 ओम का मिले। क्वेश्चन आया आपको समझ में, मतलब 6 ओम के हमारे पास बहुत से थ्री रजिस्टेंस है हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, द वैल्यू ऑफ इच रजिस्टर इज 6 ओम। अब इसको हमको कंबाइन करना है कि 9 ओम मिले, तो अपने को फार्मूला पता है सीरीज का। देखिए मैं इसको सर्किट बना के आपको समझा दूं तो ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा। देखिए 6 + 6 करूं मैं सीरीज में कंबाइन करके तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 तो है नहीं इसमें, मतलब 2 के जी में सीरीज में कंबाइन करूं तो 12 हो जाएगा और दोनों 12 से कम है, तो एक को उसके साथ पैरेलल कंबाइन कर दें तो 1/12 प्लस यदि हम उसके साथ 1/6 कर दें। अब हमने पैरेलल कंबाइन कर दिया, एलसीएम कितना आएगा 12, तो हो जाएगा 1+ ये 6 × 3 = 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 4/12 दैट मीन्स 3, क्लियर। ये 3 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब 2 को यदि हम सीरीज में कंबाइन कर दें 1 को पैरेलल में तो नहीं मिलेगा कोई भी। अब हम उल्टा करते हैं, अब हम क्या करते हैं 2 को पैरेलल कंबाइन करते हैं, ठीक है, 2 को पैरेलल मतलब 1/6 + 1/6, इसको हम सॉल्व किए तो 2/6 दैट मीन्स 3 आएगा
और इसके साथ में हम एक को सीरीज में कंबाइन कर दें तो 6+3 कितना 9, ये आंसर आएगा। तो ऐसा आपको करके देखना पड़ेगा। दैट मीन्स दो को हम पैरेलल कंबाइन करें और तीसरा को उसके साथ किस में करें, सीरीज में कंबाइन करें। दैट मीन्स इसके यदि मैं सर्किट बना दूं तो सर्किट में आपको अच्छे से समझ में आएगा इस तरीके से। ये हो गया और ये दोनों को हमने पैरेलल कंबाइन किया और इसके साथ हमने इसको सीरीज में कंबाइन कर दिया इस तरह से। यदि हम ऐसा कंबाइन कर दें, ये है 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये 6 ओम, ये 2 टर्मिनल्स हैं ए एंड बी। अब आप देखिए ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तभी क्या मिला, 3 मिला और 3+6 कितना हो जाएगा 9, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 ओम। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा कि 9 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको 2 6 ओम को पैरेलल में और तीसरे को उसके साथ में सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड नंबर में देखिए, यदि हम तीनों को सीरीज में कंबाइन कर दें इस तरह से, ये यदि सर्किट बनाने पड़े तो आप ऐसा सर्किट बनाएंगे 6 6 6, यदि हम सीरीज में इसको कंबाइन तीनों को पैरेलल में, ये भी पैरेलल, यदि हम ये तीनों को पैरेलल कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए 6 6 6। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP इक्वल टू 1/6 + 1/6 + 1/6, दैट इंप्लाइज 1/RP इक्वल टू 3/6, दैट इंप्लाइज 1/RP इक्वल टू 1/2। ठीक है, 4 चाहिए ना अपने को, 6 तो इसमें नहीं आया पैरेलल में। 6 को 6+6, दो को सीरीज करें 12। अब 1/12 + 1/6 करें, पैरेलल कर दें उसको, एलसीएम आएगा 12, अभी तो किया था, तो ये प्लस 2 3/12। हाँ ठीक, सॉरी ये मैं तो गड़बड़ ऐड कर दिया था ना, चलो ये ठीक है। इसमें दो को पैरेलल एक को सीरीज करना पड़ेगा और सेकंड को फाइंड करने के लिए दो को सीरीज में एक पैरेलल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से सर्किट इसका ऐसा बन जाएगा, ये दो सीरीज हो गए और इसके साथ ये एक पैरेलल में आएगा। इस तरह से इसका सर्किट बन जाएगा 6 6 6, टर्मिनल ए बी। कैसे सॉल्व होगा देखिए, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 12 मिलेगा और ये 6 है, ये 12 इसके साथ पैरेलल कंबाइन हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम सॉल्व करें तो 1/R इक्वल टू 1/12, अभी जो किया था मैं 1/6, दैट इम्प्लाइज 1/R इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये 1+2, वहाँ मैं गलत सॉल्व कर दिया था, इक्वल टू 3/12, इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो 4, रेसिप्रोकल करेंगे R इक्वल टू 4, ये 4। इस तरह से दो आंसर क्या हो जाएगा, 9 ओम का रेजिस्टेंस कब मिलेगा अपने को, हम जब दो को पैरेलल और तीसरे को सीरीज में कंबाइन करेंगे, और 4 ओम कब मिलेगा, जब हम दो को सीरीज में और दोनों के सीरीज के साथ तीसरे को पैरेलल कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4 ओम मिलेगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आता है आपको उसको ट्राई कर करके देखना पड़ेगा कि कितने को मैं सीरीज में कंबाइन करूं, कितने को पैरेलल में कंबाइन करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यदि मोर देन 3 मोर देन 4 भी आपको दे दे तो उसको आपस में कनेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा, तो इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला के आपको उसको ट्राई करके देखना है कि किसको किसको मैं सीरीज में करूं, किसको किसको पैरेलल में करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। हाउ मेनी लैंप कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इन द मैक्सिमम अवेलेबल करंट इज 5 एम्पियर। देखिए इसमें भी आपको काउंट करना है कितना, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड करिए। तो बोलता है कि बहुत से अपने पास इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या कर रहे हैं, आपको 220 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई करना है, मतलब भी दिया है कितना 220 वोल्ट,
और आगे गिवन है पावर 10 वाट, 10 वाट का पावर करंट सप्लाई करना है। करंट दिया है कितना, 5 एम्पियर। इस तरह से, तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस वी स्क्वायर अपॉन पी, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू वी कितना है, 220 का स्क्वायर अपॉन पावर इज 10। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लें तो स्मॉल आर का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 4840 ओम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 4840 ओम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। एक बल्ब का रेजिस्टेंस ये हो गया। अब अपन निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहां पर करंट, ये हमारे पास फार्मूला होता है ओम्स लॉ से, क्लियर। तो वी इक्वल टू आई आर यदि हम इसमें अप्लाई कर दें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, दैट इंप्लाइज रेजिस्टेंस आर इक्वल टू पोटेंशियल इज 220 अपॉन 5, ये हो जाएगा 44 ओम। इस तरह से अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या निकाला कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमको निकाल लिया 4840 ओम। फिर हमने निकाला कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 44 ओम। अब बोलते हाउ मेनी बल्ब आर कनेक्टेड, जैसे भी मैंने क्वेश्चन बताया हाउ मेनी, जब भी आपको रजिस्टर या हाउ मेनी बल्ब बोले एन इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, क्योंकि इसको पैरेलल कंबाइन किया गया है, तो यह आएगा 4840 अपॉन 44। अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, इसको सॉल्व करेंगे तो 110 आएगा, क्लियर। ये नंबर ऑफ बल्ब या नंबर ऑफ रजिस्टर वाले सारे क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि एक डिवाइस का, कोई भी डिवाइस है या कोई भी आपके पास रजिस्टर वायर है, उसका रजिस्टेंस कितना है और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो हाउ मेनी बोलेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए पैरेलल, एक ध्यान रखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक डिवाइस का रेजिस्टेंस टोटल डिवाइस से ज़्यादा होगा, क्योंकि आफ्टर कॉम्बिनेशन पैरेलल जो रेजिस्टेंस है डिक्रीज हो जाता है पैरेलल में, लेकिन सीरीज में जस्ट अपोजिट होता है। सीरीज में डिवाइस का रेजिस्टेंस कम होगा और कॉम्बिनेशन के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर टू आर थ्री एंड सो वन, और पैरेलल में वन अपन आर टू होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो ये वैल्यू ज़्यादा होता, ये वैल्यू कम होता, ये आप ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए हार्ड प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रजिस्टर क्वाइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 रजिस्टर विच में बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज आर इन पैरेलल, व्हाट आर द करेंट इन थ्री केसेस। देखिए, ए हार्ड प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ओवन कनेक्टेड 220 वोल्ट, पोटेंशियल इज 220 वोल्ट, टू रजिस्टर क्वाइल ए एंड बी इज 24 रजिस्टेंस, रजिस्टेंस इज 24 ओम। ए एंड बी दो रजिस्टेंस है, एंड रजिस्टेंस ऑफ इज 24। अब बोलता है, ये इजी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, विच में बी यूज्ड सेपरेटली, व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस। फर्स्ट, सेपरेटली, सेकंड सीरीज कॉम्बिनेशन,
एंड द थर्ड इज पैरेलल। करंट पूछ रहा है सेपरेट यूज करें, तो सबसे पहले हम इसमें ओम सा लगा देंगे, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, क्लियर। तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा दैट इंप्लाइज आई इक्वल टू, सेपरेट यूज किया गया है तो पोटेंशियल कितना है 220 अपॉन 24 रेजिस्टेंस। 220 में 24 को आप डिवाइड करिए तो आपको डिवाइड करने से मिलेगा 9.2 एम्पियर, 9.2 एम्पियर, ये फर्स्ट आंसर। सेकंड में देखिए आई इक्वल टू वी अपॉन आर, अब क्या किया गया है ये दोनों रेजिस्टेंस को किस में कंबाइन किया गया, सीरीज में। तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, मतलब ये आर वन प्लस आर टू, आर वन यहाँ आर आर है तो सीधा हम क्या ले सकते हैं 2R इक्वल टू वी अपॉन 24 इंटू टू कितना हो जाएगा 48, 220 अपॉन 48 दोनों सीरीज में कंबाइन हो गए, तो 220 अपॉन 48 को आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 4.6 एम्पियर। इजी है, इसमें कुछ नहीं है, आपको सॉल्यूशन बस सिंप्लीफाई करना है। आई इक्वल टू वी अपॉन, अब यहाँ पर देखिए अब पैरेलल कंबाइन किया गया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करिए आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये फार्मूला आप कभी भी यूज करिए आर इक्वल टू, ये बहुत आसान होगा, ऐसे हम करके बनाया गया है दैट इक्वल, दोनों सेम है तो यहाँ पर 2R ये आर स्क्वायर अपॉन 2R, एक R कैंसिल हो जाता है तो सीधा इसका फार्मूला होता है कि R by 2, तो R by 2 मतलब 24 अपॉन 2 दैट मीन्स 12, ये हो जाएगा R by 2। सीरीज में 2R होगा और पैरेलल में R by 2, ये आप ध्यान रखिए इसको, तो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा दैट इक्वल टू 220 अपॉन 24 अपॉन 2 मतलब 12, 220 में 12 है, 220 अपॉन 12 आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 18.3 एम्पियर, ये आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 220 वोल्ट का हमारे पास सप्लाई है और 24 ओम का 2 डिवाइस है, यदि इसको सेपरेट यूज किया जाए, अलग अलग यूज किया जाए तो कितना करंट सप्लाई होगा 9.2 एम्पियर, दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस 2R होगा ये, और दोनों को पैरेलल कंबाइन किया जाए तो रेजिस्टेंस R by 2 होगा, कितना एम्पियर का करंट सप्लाई होगा, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट बोर्ड में देखिए आप, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, फर्स्ट 2 ओम रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज 2 ओम, फिर बोलता है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट बोला है 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल इज 6 वोल्ट इन सीरीज 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स, सीरीज में आर वन इक्वल टू 1 ओम और आर टू इक्वल टू 2 ओम ये, और सेकंड कंडीशन में बोलता है पैरेलल पोटेंशियल इज 4 वोल्ट इन पैरेलल, पैरेलल में आर वन इक्वल टू 12 ओम और आर टू इक्वल टू 2 ओम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप ध्यान से समझो, वो बोलता है कंपेयर द पावर यूज्ड, पावर दोनों में पावर, इस कंडीशन में पावर सपोज P1 है और इस कंडीशन में पावर सपोज P2 है, तो P1 P2 को हमको कंपेयर करना है, वो भी सिर्फ किसके लिए, 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट सप्लाई होगा उसके पावर के लिए,
क्वेश्चन का स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए इसके पास भी 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है ये, और इस कंडीशन में भी इसके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये। तो बोलता है कि पहले कंडीशन में 2 ओम के रेजिस्टेंस का जो पावर होगा P1, और दूसरे केस में 2 ओम में जो पावर होगा P2, दोनों का हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहला है दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए फर्स्ट के लिए मैं सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, और इसमें जो पोटेंशियल सप्लाई किया गया है वो पोटेंशियल, यहाँ पर मैंने बैटरी के साथ में पोटेंशियल सब लिख दिया, ये पोटेंशियल है 6 वोल्ट। अब यहाँ पर हम करंट सप्लाई करते हैं I। तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो I करंट है यहाँ भी सप्लाई होगा और यहाँ भी सप्लाई होगा और रिटर्न होके यहाँ पर वापस आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू सीरीज है तो कितना आएगा, 1+2 दैट इज 3। क्लियर? तो 1 और 2 दोनों डायरेक्ट एड हो जाएंगे और 3 ओम का रेजिस्टेंस अपने को मिल जाएगा इस कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर हम लगा दें ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R, दैट इंप्लाइज अमाउंट ऑफ करेंट I इक्वल टू पोटेंशियल है 6 और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है कितना 3, दैट इंप्लाइज I इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर। अब हमने 2 एम्पियर करेंट निकाल लिया। इस कंडीशन में यदि हम पावर कैलकुलेट करें तो पावर V इक्वल टू क्या होता है, यदि हमको करेंट पता हो और पोटेंशियल पता हो तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू I, ये होता है। तो पोटेंशियल इज 6 एंड करेंट इज 2, दैट मीन्स 12 वाट। एक मिनट, यहाँ पर आपका पावर जो है करेंट, I स्क्वायर इंटू R, ये फार्मूला मत लगाइए, I स्क्वायर इंटू R। देखिए V इंटू I अपन यहाँ पर नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ करेंट यहाँ पर 2 एम्पियर है, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है, एक ओम का है एक 2 ओम का है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, 2 ओम रेजिस्टेंस पर ही हमको बात करना है। यदि मैं पहले फार्मूला लगा रहा था वो फार्मूला लगा दूं तो वो कंबाइंड रेजिस्टेंस पर है, लेकिन हमको चाहिए सेपरेटली फॉर 2 ओम। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमको टोटल कैलकुलेशन सिर्फ 2 ओम के रजिस्टर के लिए करना है। तो पावर P1 इक्वल टू आएगा I स्क्वायर इंटू R, तो I का अपने को वैल्यू मिल गया कितना 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और किस रजिस्टर की बात हो रही है 2 ओम, इसलिए हमको सेपरेट उसके लिए निकालना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का खासियत है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये कितना निकल जाएगा 8 वाट। ये हो गया पहले केस के लिए। तो पहले केस में हमने क्या कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट किया। अब हम सेकंड केस में चले आए, तो सेकंड केस में क्या बोला है, देखिए कि 12 ओम और 2 ओम के दोनों रजिस्टर कैसे कंबाइन किए गए हैं पैरेलल। यहां सर्किट डायग्राम इस तरह से बनेगा, और इसके साथ ये बैटरी कनेक्ट किया गया है ऐसा। ये सपोज 12 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, और सप्लाई है 4 वोल्ट का ये। अब देखिए हमने यहाँ पर करंट कैलकुलेशन किया क्योंकि यहाँ करंट कांस्टेंट होता है, और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल लेंगे, R इक्वल टू डायरेक्ट अपने पास फार्मूला होता है R1 इंटू R2, मतलब 12 इंटू 2 अपॉन 12 प्लस 2, दैट मीन्स 24 अपॉन 14 इक्वल टू 12 अपॉन 7। क्लियर? ये हमने निकाल लिया क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का। अब यहां पर पावर निकालने का अपने पास फार्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। यदि हम चाहें
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जरूरत नहीं है। वी स्क्वायर अपन आर, देखिए 2 ओम की बात कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हमको जरूरत क्यों नहीं है मालूम? क्योंकि हमको 2 ओम के बारे में बात कर रहा है, और 2 ओम में भी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट है, और इसका भी पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो पावर यहां पर तो अपने पास डायरेक्ट फार्मूला है, पी पोटेंशियल और रेजिस्टेंस पता हो तो उसका फार्मूला होता है V² upon R, दैट इक्वल पोटेंशियल है अपने पास कितना, 4 वोल्ट, ये हो गया 4 का स्क्वायर, और किस रजिस्टर की बात हो रही है, 2 ओम, तो 2 ये हो जाएगा 4 × 4 upon 2, दैट मीन्स ये 2 जात 8, ये भी आ गया 8 वाट, ये पावर आ गया P2। अब हमको क्या चाहिए, दोनों का रेशियो, तो P1 ratio P2 इक्वल टू 8 upon 8 इक्वल टू 1 ratio 1, यह 1 इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया गया हुआ है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। एक बार सीरीज का कंडीशन, तो सीरीज में आप क्या करेंगे, उसका करंट कैलकुलेट करेंगे, और इस फार्मूला से आप पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू I² × R। और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 2 ओम के रेजिस्टेंस का पोटेंशियल भी 4 वोल्ट ही होगा, और इसका भी, और पावर का डायरेक्ट फार्मूला होता है V² upon, यहाँ से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का रेशियो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो सब इजी क्वेश्चन है, दो दो लाइन के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन बोर्ड में रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैंप 180 पावर P1 इक्वल 100 वाट एंड इट्स पोटेंशियल इज 220 वोल्ट एंड अदर इज 60 वाट, P2 इक्वल टू 60 वाट एंड इट्स पोटेंशियल इज इक्वल, दैट मीन्स 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेंस, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज तो 220 वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया है, तो बोलता है व्हाट करंट डन, कितना करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को आप बोर्ड से ध्यान से देखिए, कितना करंट सप्लाई होगा बोलता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप, इसको हमने कह दिया R1। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, V² upon P, दैट इक्वल V का वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर अपन पावर सप्लाई हो रहा है उसका कितना, 100 वाट। पहले की बात करें तो 100 दैट इक्वल 220, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आता है, 2484 आएगा ना, 22 का स्क्वायर अपन करेंगे तो 484 ओम, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप R1। इसी तरह से यदि हम सेकंड लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लें R2, तो R2 में पोटेंशियल कितना है, 220 ही है, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपन इसका पावर कितना है, 60, इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 806/7, कैलकुलेशन ही है बस इसमें, 806/7, ये आप डिवाइड कर लेंगे या कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया R1 R2 का वैल्यू। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि किसमें कनेक्ट किए गए हैं, पैरेलल, तो हम RP का फार्मूला जानते हैं, RP इक्वल टू R1 × R2 upon R1 + R2, दैट इक्वल्स, दोनों वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ओनली कैलकुलेशन है क्वेश्चन में कुछ नहीं, इंटू 806/7/484 + 806.7, दैट इक्वल
इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं कैलकुलेटर से करके आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आ जाएगा 302.6 ओम। आगे हमको क्वेश्चन में पूछा है क्या करंट, तो ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू अपन पुट कर दीजिए, पोटेंशियल दिया था 220 और ये हमने निकाला है 302.6। इसको भी आप कैलकुलेटर से साल होकर के डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे 0.73 एम्पियर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन ओनली कैलकुलेशन है, बस क्या है ये दो कंडीशन है, एक पावर और वोल्टेज, ये एक पावर ये। तो पहले कंडीशन में आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए वी स्क्वायर अपॉन पी से, और दूसरे बल्ब के लिए फिर आप रेजिस्टेंस निकाल लिए इससे, और दोनों को पैरेलल कंबाइन करना है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के ओम्स लॉ से हम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट की टोटल सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, तो 0.73 एम्पियर करंट फ्लो होगा। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये तो ओरल है, एक बार आप बोर्ड से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16-17 दो क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, एक लाइन बता देता हूँ। विच इज मोर एनर्जी, 16 बोला विच इज मोर एनर्जी, 220 वाट एक टीवी है, 220 वाट का है, और उसको पावर लिख दिया 220 टीवी का बोला है 250 वाट। क्लियर। और टाइम कंज्यूम करता है कितना, 1 आवर। और फिर दूसरा डिवाइस क्या है, रोस्टर। ठीक है, ये रोस्टर का पावर है 1200 वाट और टाइम कितना कंज्यूम करता है वो 10 मिनट। ए टाइम पास क्वेश्चन है, कुछ नहीं ऐसे। तो क्या बोलता है इसमें आपको, विच यूज मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, पावर कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, ये इस कंडीशन में मतलब इलेक्ट्रिक कंज्यूम क्या होता है, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर इसका पावर क्या हो जाएगा, 250 इंटू 1 आवर, 1 आवर दैट मीन्स 250 किलोवाट आवर या वाट आवर हो जाएगा। क्लियर। और इसको आप करेंगे तो यह हो जाएगा 1200 इंटू टाइम कितना कंज्यूम करता है, 10 मिनट का, तो हो जाएगा आवर में चेंज करेंगे तो 60 दैट इक्वल टू ये, और ये हो गया कितना 200, तो 250 और ये 200, कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, टीवी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, दोनों को कंपेयर करना है, कुछ नहीं। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी देख, ये 18 नंबर क्वेश्चन तो एक्सप्लेनेशन है, न्यूमेरिकल नहीं, उसको आप देख लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस इज 8 ओम, करंट इज 15 एम्पियर, ए सर्विस मीन्स 2 आवर, ये 2 आवर का कोई मतलब नहीं है, 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, कितना हीट डेवलप करता है, ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 17। तो पावर का डायरेक्ट फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये टाइम तो डमी डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आई स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 8, इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं कैलकुलेटर डायरेक्ट करके आपको आंसर बताता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटू 215 इंटू 15, 1800 वाट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1800 वाट या जूल पर सेकंड। तो ये है क्वेश्चन लास्ट। इस तरह से मैंने आपको इस एक्सरसाइज के पूरे न्यूमेरिकल्स विथ ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और इसको आप अच्छे से ध्यान से एक बार रिवाइज करिए। यदि आपका
कॉन्सेप्ट और फार्मूला तैयार नहीं है तो न्यूमेरिकल्स करने के बजाय सबसे पहले आप उस चैप्टर को रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।